हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HSE ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, HSE यानी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था अभी HSE ट्रेनिंग के बारे में। अब हम ट्रेनिंग से जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि हम ट्रेनिंग क्यों करते हैं। हमें पता तो होना चाहिए ना, हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले कर रहे हैं, रोज़ ट्रेनिंग हमें मिल रही है, वीकेंड्स पे मिल रही है, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो बहुत ही कंपलसरी हैं हमें जानना। अगर सेफ्टी को जानना ज़रूरी है, हेल्थ को जानना ज़रूरी है, तो ऐसा क्या है फिर जिसको हमें इतना इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें जानना। तो देखिए, सबसे पहले HSE ट्रेनिंग जो होती है वो हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट रहता है, उनकी ट्रेनिंग, उनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, ताकि आप खुद को सेफ कर रख सकें, साथ में अपने वर्क प्लेस को भी सेफ रख सकें। ठीक है, अब देखिए, वर्क प्लेस को सेफ सभी लोग अगर पूरा अप्रोच देंगे अपना, तभी हम अपनी वर्क प्लेस को सेफ रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं सिर्फ HSE डिपार्टमेंट वाले ही उसको वर्क प्लेस को सेफ रखने के लिए चीज़ें करते रहें और आप लोग आके उसे हार्म करते रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। सबको इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा, तब जाके हमारा जो वर्क प्लेस है वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो मेन मोटिव यही है ट्रेनिंग देने का, कि आपको सामने वालों को ये पता चले कि सेफ्टी क्या है और इससे हमें बचने के लिए क्या क्या करना है और क्यों ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब HSE डिपार्टमेंट बना हुआ है तो HSE डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा, सेफ्टी के लिए नई नई चीज़ें करेगा। क्यों करेगा, ताकि आप जो हैं उसे सीरियसली लें, उसके जो भी बनाए गए रूल्स हैं उनको फॉलो करें और सेफ्टी को फॉलो करें। तो इसके लिए वो नए नए चीज़ें निकालेगा, नई नई पॉलिसीज़ भी निकालेगा, नई नई प्रोसीजर निकालेगा, नई नई SOPs भी निकालेगा। तो इससे मेन हमारा क्या फ़ायदा हुआ, हमारा 0% गोल हो जाएगा, हमारा गोल हो जाएगा कि हमारी इंडस्ट्री में 0% एक्सीडेंट होंगे, एम्प्लॉयज़ कभी भी इंजर्ड नहीं होंगे और कंपनी या हमारे पूरे वर्क प्लेस में कोई इलनेस जैसा एनवायरनमेंट नहीं बना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो वर्क प्लेस है वो सेफ रहेगा, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, सबों की हेल्थ अच्छी होगी, सेफ्टी कल्चर मेंटेन रहेगा, हेल्थी वर्किंग होगी, नेचर इको फ्रेंडली होगा, हर कोई सेफ सिक्योर हेल्दी रहेगा, एम्प्लॉयज़ हेल्दी रहेंगे, लीगल ऑब्लिगेशंस हमारी फॉलो होंगी, लीगल कंप्लाइंसेस फॉलो हो जाएगा इस बीच, क्योंकि लीगल कंप्लाइंसेस में ये दिया जाता है कि आपके यहाँ के एक्सीडेंट्स लेवल कितना है, ये सब चेक अगर किया जाएगा तो हमारी कंपनी जो हमारा वर्क प्लेस जो है वो सबसे नीचे लेवल पर दिखेगा, क्योंकि हमारे एक्सीडेंट्स कम हैं, हमारे पूरी सेफ्टी का प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होने वाले ये फ़ायदे होंगे, आपके यहाँ जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, जितना भी लेबर लगा हुआ है, वो सब सेफ़ रहेंगे। ठीक है, वो सेफ़ रहेंगे तो फिर आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि HSE डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी रूल्स निकले हैं वो किस लिए निकले, सेफ्टी के लिए। तो मेन मोटिव यही है कि आप जब भी सेफ्टी रखते हैं, आपको ट्रेनिंग देने का, आपको ट्रेन होने का यही मकसद है, करने का यही मकसद है कि हमारे जो वर्क प्लेस है उस पर बिल्कुल सेफ्टी रहे, किसी भी तरीके के कोई एक्सीडेंट्स ना होने पाए। ठीक है, ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा आपको, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी सिखाई जाएगी, हाइजीन सिखाया जाएगा, मेडिसिन भी सिखाया जाएगा, मेथड्स ऑफ रिसर्च सिखाया जाएगा, आपको पता चले जिससे कि एक्सीडेंट्स कैसे हो सकते हैं और उनके लिए हम क्या क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाएगा आपको, प्रिंसिपल्स जो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू बनाए गए जो भी सेफ्टी को लेके जो भी रूल्स हैं, रेजुलेशन है, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी, हेल्थ केयर सिखाया जाएगा आपको, ऑक्यूपेशनल डिसीज़ के बारे में बताया जाएगा कि आप किसी भी वर्क प्लेस से एक ऑक्यूपेशनल डिसीज़ भी ले सकते हैं, तो उससे अगर बचना है तो क्या करना है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, बाकी हाइजीन एंड सोशल मेडिसिन, मेडिकल केयर, स्पेशल टाइप्स ऑफ वर्क्स, तो ये सारी चीज़ें तो आपको बता ही जाएंगी, ताकि आप खुद सेफ रहें, ऐसा कोई काम अगर करें तो आपको पता रहे कि इस काम को करने से मेरे साथ ये एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप उसको केयरफुली करें। ठीक है, तो देखिए, ये HSE ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मैंने आज आपको बताया,
कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का ही टॉपिक है वैसे तो ये, पर ये हर उसमें काम आएगा क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज़ में, किसी भी तरीके के वर्क प्लेस हो, सभी जगह ये काम आता है। क्योंकि हमें बचना है एक्सीडेंट से, हमें खुद को बचाना है एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट लेवल तभी कम होगा जब पर्टिकुलर पर्सन, हर एक पर्सन इंडिविजुअली उस चीज़ को फॉलो करेगा, अदरवाइज़ एक अकेला बंदा उसको नहीं हैंडल कर सकता। ठीक है, तो हमारे पीछे की यही सारी चीज़ें उससे अच्छी होती है कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट लेवल कम हो जाएंगे, एम्प्लॉय सेफ रहेंगे, वर्किंग एटमोसफेयर अच्छा रहेगा, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको HSE ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बारे में ऑब्जेक्टिव्स बताए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HSE ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, सो थैंक यू।